हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर तुसी कर रहे हो वार्ड अटेंडेंट एग्जाम की तैयारी, सो ये वीडियो सिर्फ तुहाडे लिए है जिस विच आपां गल करांगे कि मरीज़ नूं डिगन तो बचाउण दी रणनीति की हुंदी है। फॉल प्रिवेंशन भी आपां इहनूं कह सकदे हांगे। सो होस्पिटल बेस्ड केयर ते होम बेस्ड केयर दे लई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मरीज़ नूं डिगन तो बचाउणा मतलब फॉल प्रिवेंशन। सो 5 मिनट का यह वीडियो पूरा देखना बिल्कुल ना भुलो। प्रश्न नंबर 1, 80% तो ज़्यादा संभावना कित्थे हुंदी है जिथे मरीज़ डिग सकता है? तो 80% तो ज़्यादा संभावना जिथे मरीज़ डिग सकता है, वह उत्तर आएगा मरीज़ के कमरे में, मतलब पेशेंट का रूम, जिथे भी पेशेंट एडमिट हुंदा हॉस्पिटल दे विच, जां जिथे भी वह घर दे विच हैगा मरीज़, तो आपदे ही कमरे के डिगन की 80% तो ज़्यादा संभावना हुंदी है। प्रश्न नंबर 2, मरीज़ के कमरे में ही मरीज़ की डिग जाने की 80% तो ज़्यादा संभावना कदों होती है, मतलब किस समय ज़्यादा डिग सकता है? तो उत्तर है जदों मरीज़ के कमरे में कोई अटेंडेंट ना हो, जदों उदा कोई सहारा ना हो, कोई देख केयर करने वाला ना हो, देखभाल करने वाला ना हो, तो उदों डिगन की संभावना जी सब तो ज़्यादा होती है मरीज़ के। प्रश्न नंबर 3, 100 विचों 48 तो लैके 58, मतलब 48 तो लैके 58% मरीजों के डिगन की ज़्यादा संभावना किस समय पर होंगी है? तो यदा सही उत्तर आएगा रात के समय। ठीक है जी, रात के समय मरीज़ की डिगन की संभावना ज़्यादा होंगी है एज़ कंपेयर टू डे टाइम। प्रश्न नंबर 4, मरीज़ के डिगन का सब तो गंभीर खतरा की हो सकता है? तो किसी भी पेशेंट के डिगन का जो सब तो गंभीर नतीजा अपने को हो सकता है कि पेशेंट परमानेंटली डिसेबल हो सकता है, मतलब वह किसी भी तरह के काम कार करन तो असमर्थ हो सकता है, या फिर उसकी डैथ हो सकती है। तो यही गंभीर खतरे हो सकते हैं मरीज़ के डिगन के। सो फॉल प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 5, मरीज़ के डिगन के की नतीजे हो सकते हैं? तो पहला ये उत्तर आएगा कि लंबा समा हस्पताल विच रहना पै सकता है। ठीक है, दूजा हैगा कि हैल्थ केयर का खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि जो मरीज़ डिग जाएगा तो होर भी कोई ज़्यादा जी मेन बीमारी होंगी, एक एक्सट्रा कॉस्ट जुड़ जाती है कि डिगन के ना कोई होर भी अंग पैर का जरा कोई सट वगैरह बच जाती है, तो वह एक एक्सट्रा खर्चा शुरू हो जाता है। तो नाल ही मरीज़ की फंक्शनल कैपैसिटी, मतलब काम करने की जी समर्था हैगी, वह भी घट जाती है। सो ये नतीजे जोड़े है ये नॉर्मल आते हैं जो मरीज़ डिगते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक बार डिगन तो बाद मरीज़ के पुनर्वास की धारणा उपर की प्रभाव पैंदा है? पुनर्वास हुंदा रीहैबिलिटेशन कहिंदे आ इहनू। ठीक है कि जदों कोई मरीज़ एक बार डिग जाता है तो उस तो बाद जदों आपां नूं उहदी बीमारी तो वापस एक नॉर्मल अवस्था दे विच लैके आउणा हुंदा, तो उहनूं पुनर्वास जां रीहैबिलिटेशन कहा जाता। तो उहदी रीहैबिलिटेशन दे दौरान उहदी जिहड़ी परसैप्शन जिहड़ी धारणा गी मरीज़ की, उहदे उपर की प्रभाव पवेगा? तो उहदा उत्तर आएगा कि मरीज़ नूं दुबारा डिगन का डर लगा रहेगा। ठीक है, एक बार डिगन तो बाद अंदर एक डर पैदा हो जाएगा मरीज़ के अंदर, सो उन्होंने रीहैबिलिटेशन करना मतलब पुनर्वास करने थोड़ी जी दिक्कत आ सकती है। प्रश्न नंबर 7, मरीज़ के डिगन का ज़्यादा खतरा कदों कदों हो सकता है, मतलब किहड़ी किहड़ी ऐसी सरकमस्टांसिस होंगे हैं जो मरीज़ के डिग जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? तो उसका उत्तर आएगा एंबूलेंस में शिफ्ट करते समय, या एंबूलेंस चो उतारते समय, या फिर मरीज़ को एक थान तो दूजी थान पर ट्रांसफर करते समय। प्रश्न नंबर 8, मरीज़ के डिगन के किहड़े किहड़े रिस्क फैक्टर होंदे हन, मतलब किहड़े किहड़े इहो जिहे कारक ने जिहड़े मरीज़ के डिगन की संभावना बढ़ाते हैं? तो पहली ऑप्शन है चलन के विच असमर्थ, कि जिहड़ा मरीज़ है वह पहला तो ही चलन के विच असमर्थ है, तो उसके डिगन की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इसनूं कहिंदे ने इंपेयर्ड मोबिलिटी। दूसरा फैक्टर है अनुभव या सोचन के विच असमर्थ होना, इनू कहते इंपेयर्ड कॉग्निशन, कि बंदे का जिहड़ा ब्रेन हैगा मरीज़ का वह सही तरीके काम नहीं कर रहा, माइंड सही काम नहीं कर रहा, तो वो भी डिगन की संभावना बढ़ जाती है। तीजा है नारकोटिक ड्रग्स की वरतों, नारकोटिक ड्रग्स जिवें अफीम वगैरह होंगी है, होर इस तरह के ड्रग्स होंदिया ने, तो उन्होंने नारकोटिक ड्रग कहा जाता है जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन तो बिना नहीं लैनिया चाहिए। सो अगर कोई पेशेंट उन्होंने ड्रग्स की वरतों करता है या करता सी, तो उहदे विच भी संभावना डिगन की ज़्यादा हो सकती है। तो इस तो इलावा होएगा मनोचिकित्सिक दवाइया, के जिहड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंदिया ने मरीज़ नूं, कोई साइकैट्रिक प्रॉब्लम्स होंदिया ने, तो जे कोई मरीज़ उसकी दवाई खा रहा होगा तो उसके भी डिगन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। सो नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किहड़े किहड़े बाहरी कारक मरीज़ के डिगन लई जिम्मेवार होंदे हन? बाहरी मतलब जिहड़े पेशेंट के कारण नहीं है,
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈੱਡ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਫਰਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲ ਬੈੱਲ, ਕਾਲ ਬੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਓਬਸਟੈਕਲ, ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਸ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਅੜਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਫਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।